जैसे टॉप मॉडल में आता है ये वर्केबल नहीं है, सिर्फ एक डेमो पार्ट डिफरेंस है, ये पुराने वाला है नीचे वाला, और ग्लॉसी में जो आया ये पूरी छत ये उतारनी पड़ेगी, बेस मॉडल के अंदर ये ब्लैक कलर वाला आता है और टॉप मॉडल में ये क्रोम। हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा था, हमने डिलीवरी ली थी स्कॉर्पियो Z2 बेस मॉडल की, और अभी ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी है, इसके अंदर बिल्कुल कोई भी फीचर्स नहीं आते। तो हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आएंगे, जो ये पहला पार्ट होगा सीरीज का। तो इस सीरीज के अंदर आपको पूरी वो दिखेगी कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप, अगर आपके पास Z2 है, Z6 है, Z4 है, जो भी स्कॉर्पियन का मॉडिफिकेशंस आप कराना चाहते हो, तो वो आपको प्राइस के साथ इस वीडियो में आगे जाके दिखेगा। हम लोग जाने वाले हैं जय ऑटो पे, जो कि है करोल बाग न्यू दिल्ली के अंदर, और चलो चलते हैं वीडियो के आगे। सो भाई, फाइनली हम आ गए जय ऑटो के ऊपर अपने स्कॉर्पियो को लेके, और अब इसके अंदर जो जो मैंने आपको बताया था कि तो बेस से टॉप बना देंगे पूरे पे, अपना जो भी क्रोम वगैरह इसके अंदर जो भी एक्सेसरीज लगती है टॉप मॉडल के अंदर होता है, जो भी बेसिक चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हम इसकी गाड़ी के ऊपर अभी आज लगवाने वाले हैं। तो चलो जय ऑटो पे चलते हैं और आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये हमें भाई मिले हैं, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो ये बेस मॉडल गाड़ी है Z2, जैसा आपको पता है। तो इसके अंदर क्या क्या कुछ हम करवा सकते हैं बाहर से, एक्सटीरियर से? बाहर से आपका फॉग लाइट लगेगी, फॉग लाइट। प्राइस के साथ थोड़ा आप मेरे को बता देते तो ज्यादा सही रहता। हेडलाइट में LED चल जाएगी, आगे ग्रिल लगेगी क्रोम की, ठीक है। रूफ लगे छत पे, ठीक है। मिरर लग जाएंगे आपके, ठीक है। साइड में फुटर लग जाएगा, फुटर था लगा हुआ है, फुटर इसके अंदर मफलर लग जाएगा आपका, ठीक है। बेस टू टॉप बनानी है इस गाड़ी को, तो कितना खर्चा कुछ आता है बेस टू टॉप बनाने में? डेढ़ से दो लाख। तो भी इसके ऊपर पार्ट्स, जैसे आपने DRL वगैरह बताया, वो सारा ओरिजिनल महिंद्रा का होने वाला है, ठीक है भैया। तो काम स्टार्ट करवाते हैं इसके ऊपर और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या कुछ प्राइसिंग हमें मिलती है। के साथ हमारी रूफ रेल्स का भी काम चल रहा है, रूफ रेल्स के लिए पूरी छत खोलनी पड़ती है गाड़ी की। क्रोम का पार्ट जैसे आप देख सकते हो, स्कॉर्पियन का ओरिजिनल महिंद्रा का, ये क्रोम की पूरी लग चुकी है। रूफ रेल लगाने के लिए पूरी छत खोलनी पड़ेगी क्या इसकी? हाँ जी, पूरी छत ये उतारनी पड़ेगी, छत नीचे उतारनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद लगेंगे और स्क्रू से लगेंगे ना वो पूरा? ठीक है। अंदर भी इस तरीके से आती है ना? हाँ। पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती है, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी पूरी खुल चुकी है, पूरी रूफ नीचे आएगी, उसके बाद स्क्रूज से इसके अंदर रूफ रेल्स टाइट होंगी। बेस मॉडल के अंदर ये ब्लैक कलर वाला आता है और टॉप मॉडल में ये क्रोम वाला, तो क्रोम वाला ग्रिल वगैरह पूरा 16 पीसेज, ये बता रहे थे 16 पीसेज होते हैं ना भैया? हाँ, 7 पीसेज होते हैं सामने, तो ये हम लोग 7 पीसेज ये चेंज करवा रहे हैं फ्रंट बम्पर में, फ्रंट की साइड से। अब इसके अंदर और कुछ बचा है टॉप मॉडल में होने वाला? ये वाला ग्रिल का ही पार्ट है ना जो बीच में लगेगा? साथ के साथ ये हैंडल भी चेंज हो गया है भैया, एक बार दोनों दिखाना, पुराने वाला और नए वाला। तो ये डिफरेंस है, ये पुराने वाला है नीचे वाला, और ग्लॉसी में जो आया ये हाइड्रो डिप्ड है, ये हाइड्रो डिप्ड वाला आता है मैट के अंदर, ये वाले अब हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। ये 5 पीस आएगा ना पूरा डिग्गी डिबी के साथ?
इसके अलावा और सारा काम अभी चल रहा है गाड़ी के ऊपर। रूफ रेल से लेके डोर हैंडल जैसे आप देख सकते हो चेंज हो चुके हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्रोम गार्निश भी लग चुकी है, ऊपर इसके अंदर डोर वाइजर भी लग चुके हैं, और आगे आगे वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा जो जो हम इसके अंदर चेंज करने वाले हैं। नीचे यहाँ पर क्रोम भी इंस्टॉल हो चुका है, स्पॉइलर भी इसके अंदर लग चुका है। सो भाई स्कॉर्पियन का काम अभी पूरा हो चुका है, जैसे देख सकते हो जो जो चीज़ें चेंज कराई थी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। बेस टू टॉप में क्या क्या चेंज कराया था, पहले तो ये ग्रिल कराई थी चेंज, इसके अंदर ये जो क्रोम पार्ट है ये चेंज हुआ था और ये वाला पार्ट चेंज हुआ था। इसके अलावा बात कर लेते हैं साइड में, तो इसके अंदर एक ये वाला पार्ट लगा और एक ये क्रोम का ओरिजिनल महिंद्रा वाला पार्ट लगा है, जनरल पार्ट। ये वाले हाइड्रोडिप्ट हो रखे हैं, ये वाले जो पार्ट है डोर हैंडल्स, इसके अंदर पांच जो भी पार्ट थे। इसके अलावा पूरी गाड़ी पे जो क्रोम इंसर्टिंग थी वो पूरी इंस्टॉल कर दिया जाए जैसे टॉप मॉडल के अंदर आती है। उसके अलावा एक ये रूफ रेल लगवाई थी कंपनी फिटेड की तरह स्क्रू से अंदर पूरी रूफ खुलवाने के बाद। पीछे की तरफ बात कर लें तो पीछे इसके अंदर मेजर चेंजेस कराए, एक स्पॉइलर लगवाया जैसे आप देख सकते हो, ये स्पॉइलर इसके अंदर इंस्टॉल करवाया, एक वाइपर इंस्टॉल करवाया पीछे जैसे टॉप मॉडल में आता है। ये वर्केबल नहीं है, सिर्फ एक डेमो पार्ट के लिए इसमें करवाया था। और नीचे इसके अंदर एक क्रोम गार्निश इंस्टॉल कराई है जो कि टॉप मॉडल के अंदर आती थी। साइड के अंदर दोनों साइडों में सेम ही चीज़ कराई थी जैसे आप देख सकते हो क्रोम, और अंदर इसके अंदर कोई भी अभी चेंजेस हमने करा ही नहीं है। उसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर टॉप मॉडल वाला कराएंगे। सारी चीज़ों के साथ हमने जो की आई थी Z2 के अंदर, उसके अंदर ये बटन्स नहीं थे, तो ये बटन्स के साथ हमने ये की भी रिप्लेस कराई है। और इसके अंदर सब सारी चीज़ें लगी होती है गाड़ी के अंदर पहले से ही, बस इसको ये कोडिंग कर देते हैं और उससे कोडिंग से ये सारे बटन काम करते हैं जैसे आप देख सकते हो। और इस वाले बटन को अगर हम होल्ड करेंगे तो इसके पार्किंग इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। तो यही सब था अभी तक। साथ एक चीज़ और कराई थी, जैसे टॉप मॉडल में ये जो ग्रैब हैंडल्स आते हैं जैसे आप देख सकते हो ए और बी पिलर पे, तो ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल कराए हैं। तो जय ऑटो पे आती हम एक बार बात कर लेते हैं जय ऑटो के ओनर से। कैसे हो भैया आप? तो आज तो हम स्कॉर्पियो लेके आए हैं Z2, तो इसको बेस मॉडल है Z2 जैसे सबको पता है, तो बेस से लेके टॉप मॉडल तक का कितना खर्चा इसके अंदर आ जाएगा और क्या क्या मेजर चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड हो जाती है? देखो ये क्या होता है, बेस मॉडल जो गाड़ी आता है तो कस्टमर होता है बेस तो सारा काम करवाता है। टॉप मॉडल में जो भी सारी चीजें होता है वो हो गया, अंदर के इंटीरियर हो गया, ओरिजिनल पार्ट जो इनर हैंडल होता है, स्विच ब्रेक होता है, बहुत सारी चीजें होता है। टोटल में जाता है मैक्सिमम आपको ₹2 लाख के ऊपर इंक्लूडिंग एलॉय विद एलॉय टॉप मॉडल बन जाएगी। बिल्कुल टॉप मॉडल बन जाएगा। बाकी एक टॉप मॉडल में भी बहुत सारी चीजें नहीं आता, जैसे डैम्पिंग हो गया, एंजन लाइट हो गया, स्पीकर अपना अपग्रेड करवा सकते हो, बहुत सारी चीजें है वो भी अपग्रेड करवा के लगवा सकते हो। बट एक Z2 2 लाख का बजट चलना पड़ेगा। उसके अंदर 360 कैमरा, स्टीरियो वगैरह हुआ और मीटर हुआ, ये सब भी इंक्लूडेड होगा या ये 360 नहीं होता? देखो अब बेस मॉडल जैसे गाड़ी आता है स्टॉक स्क्रीन आता है, तो स्टॉक स्क्रीन में 360 अपग्रेड नहीं होता। उसके लिए क्या होता है आप स्क्रीन चेंज करवाते हो, तो अपना मार्केट अपना स्क्रीन आया हुआ है प्रॉपर जितना कोई लुक नहीं है और वो करवाते तो उसके अंदर आपको 360 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो रही स्कॉर्पियो की बात। स्कॉर्पियो के अलावा अगर सेल्टोस की बात करें, करेटा की बात करें या किसी और गाड़ियां जो भी आप लोग बेस टू टॉप बना सकते हैं, तो कौन सी गाड़ियां? देखो अपने पास जो मेन बेसिकली अपने महिंद्रा का है, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपने आपकी गाड़ी स्कॉर्पियन Z2 है, एक अपना 2700 मॉडल आ रहा है स्कॉर्पियो क्लासिक, 300 मतलब कोई भाई और करेटा लाते हैं उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। सेल्टोस हो गया, कोई भी आता हो गया, तो सारी कंपनी ओरिजिनल फिटिंग महिंद्रा की तरफ से ही आएगा ना? हाँ, सारे ओरिजिनल पार्ट रिक्वायरमेंट होगा महिंद्रा का ओरिजिनल पार्ट से, तो ओरिजिनल पार्ट मिलेगा। हेडलाइट से लेके अगर स्टीयरिंग वगैरह कंट्रोल वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी महिंद्रा। टॉप मॉडल के हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, मिरर हो गया, ये सब ओरिजिनल ही आता है। जैसे कोई सामने वाला भैया सोच रहे लोकल तो नहीं है, इन चीजों में लोकल नहीं है, ओरिजिनल ही है। ठीक है भैया, इसके अलावा बात कर ले जैसे ये वाली अगर मैं LEDs की बात करूँ तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो गए LED के अंदर? बहुत सारे ऑप्शन होता है जैसे की हो गया अपना, ये हो गया अपना ब्रूजन, हो गया अपना अपना हो गया अपना, तो ये सारी लाइटें 220 वाट के अंदर रहेंगी अपना। बिल्कुल 220 होता है, 180 होता है, 160 वाट होता है, 240 होता है, जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम डाल देते हैं। तो ये बेस्ट लाइटें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर स्पीकर्स की बात करें तो क्या क्या सीरीज के स्पीकर्स? सारे ब्रांड होते हैं जैसे कि अपना
जेबीएल हो गया, सोनी हो गया, पानी हो गया, उधर का होता ही होता है, कुछ बनाना चाहते हो रॉकवुड होता है, नेटिव होता है, बहुत सारी ब्रांड होता है, जो आप बोलो नहीं जा रहा। डैम्पिंग एम्पलीफायर वगैरह, मतलब गाड़ी का सारा काम यहाँ पर, आफ्टर मार्केट भी सारी चीजें हो जाएंगी कंपनी के साथ साथ। बिल्कुल। और इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जैसे केडी की, K4, K6, कार्डी की आती है। और क्या कुछ प्राइसिंग में होती है, मतलब अगर एक आइडिया ठीक है भैया। इसके अलावा अगर आप कुछ, आपको लगता है कि आप उस चीज में ज्यादा फेमस हो, स्टार्टिंग हर एक दुकान करोल बाग में सबका कुछ ना कुछ होता है, तो आपका कुछ ऐसे कि भाई मैं स्कॉर्पियो में ज्यादा, हमारे पास स्कॉर्पियो आती है, महिंद्रा के लिए सुन के ही मैं अपनी Z2 स्कॉर्पियो यहाँ पर लेके आया था, बाकी स्कॉर्पियो एन का भी काम स्टार्ट हो ही रखा है। बाकी कोई नहीं, जो आपके रिवर जो देखा हो जाएगा, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना एक एड्रेस बता देना अभी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू।